सर, ये राजगढ़ में घटनाक्रम हुआ है, अपहरण करने के बाद ये पूरा घटनाक्रम क्या था और किस तरीके से प्लान किया गया? कल रातिबड़ क्षेत्र में 3:30-4 बजे डायल 100 पे एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना आई थी, जिसमें उसको ताजमहल टप्पर गांव के एक जंगली क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल भेजा गया। वहां से उसको बंसल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। उससे बातचीत पे पता चला कि दो आरोपी का नाम है, एक हंसराज एक आदित्य। इन दोनों ने इसको घायल करके जंगल में छोड़ दिया था और उसके बाद वहां से भाग गए। इसका मोबाइल उन्होंने अपने पास रख लिया और उसकी माँ को फिरौती के लिए कॉल किया। उसकी माँ ने फोन उठाया और उसको बताया कि ये अगर बच्चे की अपने बेटे की जान की फिक्र है तो 1 करोड़ रुपए हमारे हवाले कर दो। इसके बाद इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। थाने में इन दोनों आरोपियों के नाम पता लगने पर हम लोगों ने उसको पूछना शुरू किया तो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं कल रात में। उसके बाद इनसे पूछताछ के बाद ये पता चला है कि जो लड़के का मामा है, ये पूरी योजना इसी की बनाई हुई थी, क्योंकि मामा का परिवार में अच्छी दखल है, उसको परिवार की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और बाकी सारी चीज़ों की अच्छे से जानकारी है। इसलिए उसने ये योजना को इन दोनों के साथ मिलकर बनाया और इन दोनों को एज ए हैंचमैन की तरह हायर किया और दोनों से उसको घायल करवा के जंगल में छोड़ने की योजना बनाई थी। इन लोग का अभी तक ये जो विवेचना हुई है उसमें पता लगा है कि मारने का कोई ऐसा प्लान नहीं था। इनका प्लान ये था कि इसको घायल करके जंगल में छोड़ देंगे और तब तक ये पैसा परिवार से रिकवर कर लेंगे। पैसा रिकवर करने का कहाँ जाने की प्लानिंग है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, नाम क्यों नहीं? मामा जो इसके मामा हैं उसने तो आज यहाँ से मूव करने की योजना बनाई हुई थी। अभी ऐसी सूचना है कि उसने कुछ टिकट्स भी बुक किए हुए थे पर उसके बारे में अभी पूरी क्लैरिटी हमें नहीं मिली। फिलहाल अभी मामा को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही गिरफ्तार किया है तो उससे थाने में पूछताछ हो रही है। सभी गिरफ्तारी हो गई है? हाँ, सभी गिरफ्तारी। टोटल 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 जो मुख्य आरोपी कल मारपीट में थे और योजना बनाने में जो मामा शामिल है वो 3 गिरफ्तार थे। मामा के बैकग्राउंड के विषय में अभी जानकारी नहीं है। ये ऐसा पहला बताया गया है कि मामा इनके कुछ बिल्डरों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम करते थे। सर, ये जो आरोपी हैं ये जब लापता हुआ तब उनके ढूंढने के लिए मदद भी कर रहे थे? हाँ, इसमें से एक आरोपी जो है हंसराज, वो चूंकि इसके मामा को जानता है, योजना बनाने में भी साथ में था, तो वो कल जब इसकी माँ के पास ये फिरौती के लिए फोन आया तो वो वापस से उस व्यक्ति को जंगल में छोड़ के इसके मामा के पास आ गया और मामा, इसकी माँ और एक और बहन है, ये सब साथ में गए थे थाने में रिपोर्ट करने के लिए। उसी बीच जब रातिबड़ थाने से इस बच्चे के फरियादी के बारे में जब पता लगा तो उन्होंने एमपी नगर थाने में इसके बारे में तस्दीक की। तो वहाँ अनुपम दास, मामा ने क्यों किया ऐसा? पैसे के लिए किया है क्योंकि बाप जो है मर चुका है, ये इकलौता बेटा हमारे साथ, पैसा काफी है। अब इनकी फोटो डलवा दो, फोटो फेसबुक डालो, आप हमें शेयर कर, आप तो हमें शेयर करते, क्या दिक्कत है? आप हमें शेयर कर, ऐसी फोटो दीजिए जिसमें लगे पुलिस से शायद करिए, हम लोगों ने खींच लिया, जुलूस निकाल दिया, जो सारा लोग खड़ मारो ना लोग।